अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सर्विस लॉन्च। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये कौन है साहब? तो जी आज हुआ ये, कुछ ये हुआ है कि आपको आलिया साहब नज़र आ रहे हैं इस वक्त, तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो हुआ ये कि कल ये स्कूल में गिरे, और गिरे क्या, स्लाइड से गिरे और स्लाइड भी इनके ऊपर गिरी, लेकिन इनके स्कूल वालों ने कोऑपरेट नहीं किया और ना मुझे इन्फॉर्म किया और ना ही इसको प्रॉपर मेडिकेशन दी। लेकिन मैं डॉक्टर के पास पहले लेके गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एहतियातन एक ऑर्थोपेडिक को भी दिखा दें। तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ, देखें AO क्लिनिक जा रही हूँ, तो देखें क्या होता है कि अल्लाह ताला बस सब साथ खैरियत करे। वैसे तो इसकी दिखने में तो कोई सूजन वगैरह इतनी नहीं है ना, लेकिन अब यह है कि अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अभी मैं पहले इसका प्रॉपर इलाज करवा दूँ, फिर मैं स्कूल वालों से ही बात करूँगी, क्योंकि मैं अभी तक प्रॉपर स्कूल वालों से बात की नहीं है मैंने, क्योंकि मैं अपने बच्चे में इतनी बिजी हूँ कि पूरी रात भर मैंने इसके जो भी कुछ मैं कर सकती थी और जो डॉक्टर ने वहाँ से मेडिसिन दी थी कि मस्कुलर के लिए जो भी, लेकिन अब ये कि मैं एहतियातन ऑर्थोपेडिक को भी दिखा रही हूँ। भी होता है दुनिया के स्कूल में पेरेंट्स को पहले कॉल की जाती है कि आपके बच्चे को बुखार हो गया है, चोट लग गई है, कोई ऐसा मसला है, इमरजेंसी का चक्कर है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को बोलते हैं आके आप इनको ले जाएं। नहीं, ऊपर से कॉल भी नहीं की उन्होंने, प्रॉपर मेडिकेशन भी नहीं दी, और जो वो थोड़ी बहुत लफाजी कर रही थी कि भाई हमने ये, पहली बात तो ये उसके खराश भी आई है, जो भी उसे खड़ा नहीं हो जा रहा पूरा दिन, वो एक या बैठा रहा है, अगर चल भी रहा था तो एक पैर पर, और मैं तो ये समझी थी ऑफ टाइम पे कि शायद ये तब गिरा है या सिर्फ गिर गया, बाद में मुझे पता चला कि इसके ऊपर पूरी स्लाइड गिरी है। तो आप लोग दुआ करें आलियान के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो और वो स्कूल जाए। चलिए जी नाज़रीन, कर रहे हैं तो दारू, हम आ चुके हैं हॉस्पिटल और बस अब चलते हैं लेकर आलियान को। आलियान डरना नहीं, ठीक है, ब्रेव बॉय। देखें, मैंने वैसे फ़ोन पे पता कर लिया था कि ऑर्थोपेड कब से कब तक बैठेंगे, तो अभी हम एमरजेंसी में लेकर आए। दरवाज़ा बंद करो तो। ये एक्सरे मिला है इसका, कहाँ पूछा है। चले अब, मैं सुबह से बोल रही थी कि राइट एंकल का ही होगा, और डॉक्टर ने भी वही लिख कर दिया राइट एंकल का एक्सरे, अब देखते हैं। हेलो, उधर करवट कर लो, इसको गोद में लो। ब्रेव बॉय, माय ब्रेव बॉय, तो देखो कुछ भी नहीं हुआ ना। अब डॉक्टर का अच्छा, वो गोली का लेके देंगे तो फिर जी एक्सरे निकाल के देंगे ना, मुझे जैसे दानियल के आया था ना दांतों का, आपके पैर का है क्या, सही है, तो अब डॉक्टर फिर बताएंगे क्या हुआ। तो देखें, इसके ये प्लास्टर हो चुका है आलियान के,
क्योंकि इनकी काफ़ी हड्डी में मसला आ गया था। Two hours later. तो बस 4 बजने वाले हैं और अब डॉक्टर आने वाले हैं, तो डॉक्टर से एक दफ़ा चेकअप करेंगे फिर जाएंगे। प्लास्टर तो बन चुका है अंदर, लेकिन जी नाज़रीन, तो फाइनली हम लोग फ्री हो गए थे। 5 बज रहे हैं हम, है ना, फिर फ्री हो गए। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, तो अब मंडे को फिर बुलाया है। तो अभी तो प्लास्टर जो हो गया, ये आलियान साहब बैठे हुए हैं। आलियान साहब की अभी ज़िद थी कि मुझे मिठाई खानी है। मिठाई कैसी थी आलू? पिज़्ज़ा फ्राइज और पिज़्ज़ा भी मज़े का था। इन्होंने खा पी के बैठे हैं ये, और सब चीज़ें मज़े की थी। बिरयानी भी मज़े की थी, पिज़्ज़ा भी मज़े का था, और सब चीज़ें मज़े की थी। तो बस इनकी ज़िद्दें होने लगी थी, तो सुबह से बेचारा भूखा था, तो फिर हमने जल्दी से उसको कुछ खिलाया, खुद भी खाया। बस अब घर जा रहे हैं, क्योंकि दानियाल डायरेक्ट मेरे भाई ने उसको पिक कर लिया था, तो वो भी अभी काफ़ी देर से थका हुआ वहीं पर अम्मी के घर पर है। खैर वो तो, लेकिन ये कि उसको भी बड़ी फिक्र हो रही थी, उससे फ़ोन पे बात हुई थी। ओजी अन्नी, चलो सो जाओ तुम। जी नाज़रीन, तो बस अब दूसरा दिन हो चुका है, और कल बहुत थकन हो गई थी, और आज दानियल तो स्कूल गया हुआ है, और आलियान एज यूजल वो रेस्ट कर रहा है। बस अभी मैं स्कूल जाऊंगी और थोड़ी बात बात करूंगी, सारा इसका कंडीशन बताऊंगी कि अब इसकी पढ़ाई का क्या होगा, और कितने दिन तक इसको रेस्ट मिलना, मतलब कितने दिन ये रेस्ट करेगा, और फिर सारी स्टडीज़, तो सारी चीज़ डिस्कस करूँगी। और हाँ, ये भी डिस्कस करूँगी कि इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती गई। तो बस जो भी होगा फिर आप लोगों को आगे बताऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और व्यूज़ दें, और फिर यही होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, दिल नहीं चाह रहा होता बनाने का। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।